हमारे साथ दूसरे तीसरे डेस्क पे बैठ के सेम पेपर दोबारा दे रहे थे। ऐसे में हम ये मांग करते हैं कि जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं होती ये आंदोलन चलता रहेगा, और अगर सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, आज अगर केवल कैपिटल सिटीज जम्मू और श्रीनगर में यह प्रदर्शन चल रहा है, कल को हर जिले में हर तहसील लेवल पर युवा जो है वो सड़कों पर निकलेंगे, और अगर इससे कोई भी नुकसान होता है उसके लिए आईजी प्रशासन जो है वो पूरे तौर पर जिम्मेवार रहेगा। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तमाम सारे जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स जो है पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर है इस मांग को लेकर कि हम लोग एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हाथों एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, जिसके लिए हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। एपटेक एक ऐसी कंपनी है जो पास्ट में तो ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन हाल ही में जनवरी और फरवरी के महीने में आप देखेंगे केवी संगठन का पेपर, सीटेट का पेपर, यहां तक कि हमारी पास की यूनियन टेरिटरी ले में इनके लोग जो है वो सॉफ्टवेयर को बग करके बाहर से पेपर करते पाए गए हैं। ऐसे में एस्पिरेंट्स इस कंपनी के हाथों अपना भविष्य नहीं बेचना चाहते, और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो कैलेंडर इशू किया है, एक तो इसको वापस लिया जाए, दूसरा एपटेक कंपनी ने जितने भी एग्जाम अभी तक करवाए हैं उनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं कि जो इन्होंने जेके पीएसआई का पेपर करवाया है उसमें भी इस तरह का फ्रॉड हुआ है, उसमें भी लीक हुआ है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि पब्लिक रिक्रूटमेंट प्राइवेट प्लेयर से छीन के सरकार खुद करवाए, तभी हमको सरकार के ऊपर विश्वास होगा। चौथा, हम ये मांग करते हैं कि पेपर लीक को लेकर एक सख्त से सख्त कानून जल्द बनाया जाए, ताकि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। और कल हमने ये फैसला किया है कि कल शाम को 6 बजे से हम एक कैंडल मार्च कच्ची छोनी से एलजी हाउस तक जो है वो मार्च करेंगे, और उस मार्च के लिए हमारी तमाम सारी सोशल, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से अपील है, चाहे वो चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बार एसोसिएशन है, या कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी है, आप लोग अगर चाहते हैं जम्मू कश्मीर का भविष्य बचा रहे, आप लोगों के बच्चे अगर पारदर्शी तरीके से इम्तिहान दे, और जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जहां एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं, वो सब करप्शन के खिलाफ इस मुहिम में हम लोगों का सहयोग कीजिए, क्योंकि ये सिस्टम के साथ लड़ाई है जिसमें हमें आप सबकी जरूरत पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।